उन्हीं से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब? लास्ट टाइम अभी आईपीएल के टाइम ही मिले थे, अभी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि सीरीज बैक टू बैक सीरीज हो जाती हैं तो टाइम नहीं मिल पाता जाने के लिए। जब भी टाइम मिलता है तो रांची जाके मैं मिल लेता हूँ। बड़े सारे फैंस हमारे साथ खड़े हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये थाला धोनी के फैन यहाँ पर, भाई अपनी शर्ट पर जो 7 नंबर निशान है वो भी दिखाइए। राम बाबू आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं, महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टी शर्ट आप पहन कर आए हैं, आज आप किसे देखने आए, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल ऑफकोर्स टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे और करते आ रहे हैं, और अभी ग्वालियर से जीत के आए हैं और सेंटर दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में भी धमाका होने की क्योंकि उम्मीद है, और टीम इंडिया यहाँ पे सीरीज़ पे कब्जा करने के लिए बेकरार है क्योंकि अभी कुछ समय बाद टॉस होगा और टॉस के बाद मैच शुरू होगा। जैसे स्काई की सेना ने पूरा जोरों शोरों से बांग्लादेश को एक तरफा 12 ओवर में मैच जीत लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी टीम इंडिया करे और टारगेट 200 से ऊपर हो तो अलग ही नज़ारा आएगा। दिल्ली में छक्के और चौकों की बरसात देखने को मिलेगी, और जैसे अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जब स्टार्ट हुई थी बहुत बढ़िया उन्होंने खेले, और हार्दिक पांड्या खड़े खड़े शॉट मार रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं बांग्लादेश टीम के साथ, तो बस यही है, टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है और बैटर साइड है, वर्ल्ड चैंपियन है, और जैसे टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ में भी क्लीन स्वीप किया, यहाँ पे भी जीत के और हैदराबाद जाके क्लीन स्वीप करे और टीम इंडिया आगे ऐसे ही जीतते जाए क्योंकि जीत की क्योंकि हुंकार है वो वर्ल्ड कप से चलती आ रही है कंटिन्यू। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा से बड़े जैसे नाम अभी T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जो यंगस्टर हैं वो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कोर टीम बनेगी आने वाले अगले साल 26 में, यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो उसको देखते हुए सब खिलाड़ी जो जिसको मौका मिल रहा है, यंगस्टर को मौका मिल रहा है, वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। लेकिन धोनी के फैन का मन कैसे लगता है? अब महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर आते हैं, तो आप अब किस खिलाड़ी को देखने के लिए आते हैं, कौन है जिनको आपको लगता है कि धोनी के जैसा एंटरटेन वो कर सकते हैं? बिल्कुल पूरी टीम इंडिया को देखने आते हैं क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के सुपर फैन है, और धोनी सर हमारे आइडल है क्योंकि जब से धोनी सर कप्तान थे उसी टाइम से मैं मैच देख रहा हूँ, लगभग 15-16 साल हो गए हैं ऐसे मैच देख कवर करते हुए, तो ऐसा कोई मैच नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो, लेकिन धोनी सर का नाम हमेशा रहेगा क्योंकि उनकी तरफ से ही मेरे को टिकट मिलता है और उनके नाम से ही मेरे को जाना जाता है, तो इसी नाम को लेकर मैं स्टेडियम में आता हूँ, लेकिन फैन चेयर मैं टीम इंडिया को करता हूं और करते रहूंगा और ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहूंगा टीम का, और धोनी सर का नाम ऐसे ही आता रहेगा, लेकिन साल बाद बेशक आते हैं लेकिन धोनी सर आईपीएल में 2025 जरूर खेलें क्योंकि सभी इस चीज़ का इंतजार करते हैं, एक साल बाद वो आते हैं क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर आएँ, जैसे भी आएँ लेकिन आने चाहिए, और जो भी 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर जो भी उनको मिलते हैं तो वो स्टेडियम में जैसे कदम रखते हैं तो धोनी की गूंज वो जो रहती थी पहले इंटरनेशनल में वो आईपीएल में सुनाई देती है, तो बस ऐसे ही लोगों का मनोरंजन होता है, और जितने भी हार्डकोर फैन हैं धोनी के वो उनकी एक झलक देखने के लिए आते हैं, तो बस धोनी सर इस पे अमल करें और क्रिकेट खेलें, और वैसे ही वो 2-3 महीने पहले ही अपनी फिटनेस शुरू करते हैं और धमाकेदार बात मिले करते। मिले कब थे आप धोनी से आखिरी बार, आपकी मुलाकात कब? लास्ट टाइम अभी आईपीएल के टाइम ही मिले थे, अभी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि सीरीज बैक टू बैक सीरीज हो जाती हैं तो टाइम नहीं मिल पाता जाने के लिए, जब भी टाइम मिलता है तो रांची जाके मैं मिल लेता हूँ। जीतेगा भाई जीतेगा।